टीम इंडिया ने पकड़ ली लय और सुमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया को किया किल। सुमन गिल ने बहुत ही शानदार पारी खेला और टीम इंडिया ने फिर एक बार चौथे टेस्ट मुकाबले में कमबैक करते हुए नजर आई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच का तीसरा दिन टीम इंडिया का नाम रहा। पहले दो दिन तो ऑस्ट्रेलिया का नाम रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम ने दो दिन बैटिंग की है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 480 रन बनाकर भारत के लिए बहुत ही ऊंचा रन बना दिया था। जब भारतीय टीम तीसरे दिन बैटिंग करने उतरी तो भारतीय क्रिकेट फैंस यह देखने वाले थे कि क्या भारतीय बैट्समैन अच्छे परफॉर्म देते हैं या शुरुआती अच्छे करते हैं। वैसे तो टीम इंडिया बैटिंग करने से पहले 10 ओवर में 36 रन बनाकर एक भी विकेट नहीं गंवाई थी और बैटिंग करने जब आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा तो वैसे ही तड़के नजर आए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बैट्समैनों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने तड़के लगाकर बैटिंग किए थे और ठीक वैसे ही किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल शुरू से ही फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ज़्यादा देर तक नहीं टिके और महज उन्होंने 35 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए और फिर लगा कि टीम इंडिया का विकेट क्या फिर गिरेगा जल्दी से, लेकिन उनके साथ आए चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने बहुत ही भारत को एक अच्छा पार्टनरशिप निभाई। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने भी 42 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे तरफ शुभमन गिल एक तरफ पैर डटाए हुए थे और बहुत ही सूझबूझ पारी खेलते रहे। चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद आए किंग कोहली यानी कि विराट कोहली तो वैसे तीन टेस्ट मैच में फ्लॉप रहे, तो टीम इंडिया को यह देखना था कि क्या विराट कोहली शुभमन गिल के साथ आसानी से साथ निभाते हैं। लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली ने बहुत ही अच्छे तरीके से पारी को संभाला। एक तरफ तो शुभमन गिल ऐसे खेल रहे थे जिन्हें उन्हें खेलना बहुत ही आसान हो गया था और शुभमन गिल ने देखते ही सेंचुरी बना डाला। शुभमन गिल ने 235 गेंदों का सामना किया जिसमें से उन्होंने एक छक्का और 12 चौके के साथ उन्होंने 128 रन ठोक दिया, जिससे भारतीय टीम मजबूती बना ली। भारतीय क्रिकेट फैंस यह देख रहे थे क्या शुभमन गिल आज 150 प्लस का स्कोर कर पाएंगे, लेकिन शुभमन गिल 150 प्लस स्कोर करने के नाकाम रहे और लाथन लियन के गेंद पे LBW हो गए और उसके साथ साथ विराट कोहली ने भी बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए दिन का खेल खत्म होते होते तक विराट कोहली ने भी नॉट आउट 59 रनों की पारी खेली और उनके साथ है रविंद्र जडेजा ने भी 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे और तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते तक टीम इंडिया ने 289 रन बना दिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि दोस्तों क्या टीम इंडिया 480 से ज़्यादा का स्कोर कर पाएगी? यदि टीम इंडिया 480 प्लस का स्कोर करने में नाकाम होगी तो शायद टीम इंडिया को दिक्कत होगी, लेकिन यदि विराट कोहली सेंचुरी बनाते हैं तो टीम इंडिया वह लक्ष्य को हासिल करने में समर्थ होगी। और वैसे भी विराट कोहली टेस्ट में तो सेंचुरी लगाए नहीं है, वैसे विराट कोहली को टेस्ट में सेंचुरी लगाए हुए करीब 3 साल हो गए हैं, तो क्रिकेट फैंस भी काफ़ी उम्मीद लगाए हैं कि इस मैच में विराट कोहली सेंचुरी बना दें। तो हाय दोस्तों, आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक लिए चलते हैं और अगले वीडियो में इसी जो जुन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।